देखो देखो अभी सुबह के टाइम असली जो खूबसूरती है वो दिख रहा है। अटक गया। कभी कभी ऑयल बॉयल तो डालना होगा। क्या है, कब लेके आए? मतलब बहुत एक साथ लेके चला है और इतना तेज धूप है, इतना तेज धूप है कि आधा घंटा बाहर रखने के बाद ही ऐसे हालत हो जाता है। खुल नहीं रहा है? खुल गया। हाँ जाओ 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 जाओ। ये क्या लाया? पेट्रोल? पेट्रोल पेट्रोल डाल के, पेट्रोल डालने से क्या होगा? मोबिल देना पड़ेगा। जाओ सावधानी से, जाओ सावधानी से, सावधानी से, धीरे धीरे। देखो साथ में कोई चढ़ के आके ना एक ही साथ निकल जाए, एकदम नया फार्म में चला जाएगा। ये सारे केजीएस रुद्रा और राजू, तुम दोनों अंदर रहो, बाहर मत निकलना। और आज सबसे बड़ा बात है, ये जो हम लोगों का जो एक्वेरियम है पूरा पानी चेंज होगा और बहुत सारा नया नया मछली, जापानीज कोई जिसे कहते हैं, बहुत दिन से ढूंढ रहा था, कहीं से भी मिल नहीं रहा था और फाइनली मिल गया। आज पूरा साफ सुथरा करेंगे और बहुत सारा, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल कोई फिश, जापानीज कोई को यहाँ लाके छोड़ेंगे। चलो अभी सर वो सारे मछली का आने का इंतजार है। सारे के सारे केजेस आ गया है या और कुछ रह गया ऊपर? तीन चार पाँच ऐसे कुछ था। सूर्या पीछे रहो। मंका कहाँ है? ऐसे काम हो रहा है? मंका तो यहाँ आके हल्ला मचाना चाहिए था, मंका को दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है मंका? सारे रैबिट्स को यहाँ छोड़ दिए हैं। ये इतना क्यों हाँफ रहा है राजू? क्यों किसके साथ, किसके साथ? ओ अच्छा, ऊपर जो सारे रैबिट्स है यहाँ लाके छोड़े है ना, इसी के लिए सबके साथ इसी के लिए लड़ाई हो गया। हाँ हाँ देखो देखो, लड़ाई के बाद एकदम थक के सो गए हैं। कहाँ? ये बाप रे, दिखाओ रैबिट के अंदर इतना तेज, इतना भयंकर लड़ाई होता है, हमको पता ही नहीं था। हाँ हाँ बोलो। सारे के सारे देखो थक गया। नीचे आने के बाद 15 मिनट आधा घंटा बहुत तेजी से लड़ाई किया ना, क्या हुआ? वो भी तुम भी थक गए हो बाप रे। और देखो ऊपर से गौर से उसे देख रहा है। फर्स्ट टाइम तो थोड़ा बहुत होता है बाहर एक साथ छोड़ने के बाद। और अभी अब देखना नहीं, वो चुपचाप आराम से बैठा है। देखो वो किसी के साथ कोई लड़ाई वगैरह तो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो पहले से यहाँ था हम लोगों का। वो बाकी का एक दो केज बाहर से वहाँ से हमने का गेट से निकल गया, ठीक है। छोटा छोटा शेप का था ऊपर, यहाँ सामने का जो गेट है यहाँ से निकल गया। संजय कुछ पेंटिंग वेंटिंग करना है या ठीक है चलेगा? लगा देंगे ना, अच्छा लगेगा ना, ठीक है। हाँ देखो इतना इतना तेज गर्मी है, एक दिन के अंदर कैसे सूख जाता है सब। बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत दिन से ढूंढ रहा था कि ऐसे मतलब जापानीज कोई, वो तो बहुत बड़ा बड़ा साइज का होता है, तालाब में छोड़ के रखेंगे और बहुत बड़ा सा फाउंटेन बनेगा वहाँ। देखिए बड़ा मछली खरीदने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो अभी छोटा है बच्चा ले लेंगे लो प्राइस में, और एक एक साल डेढ़ साल के बाद वो अपने आप ही तालाब में जब घूमते हुए बड़ा होगा ना, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ले जाके फाउंटेन में छोड़ेंगे। ठीक है पहुँचने दीजिए। और आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि कौन कौन सा कलर लाया और आप सभी को कितना ज़्यादा पसंद आया। अरे सूर्या का सनग्लास पहन के, अरे ये तमिल का हीरो को कहाँ से लाया, एकदम हीरो के माफिक लग रहा है। देखो देखो सारे केजेस निकल गया। ओ यहाँ दो रखा, ठीक है चढ़ा दो सर। हाँ साफ सफाई का काम तो कंप्लीट हो गया। देखो थोड़ी देर पहले कैसे था और अभी कैसे लग रहा है। चलो पेपर है इसको हटा दो बाहर से जाके, एकदम रोल करके उसको ऊपर उठा दो, पहले जैसा फील आ रहा है ना। मिडिल में तो काम के लिए यहाँ बहुत सारा केजेस वगैरह अंदर कर दिया था और इसका पूरा लुक खराब हो गया था, लेकिन अभी जो मतलब पहले वाला वही फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। हॉलैंड बजीज, हाँ इन दोनों को भी यहाँ छोड़ के ही रखेंगे कॉलोनी के अंदर, रोल रोल करके उठा दो। हाँ उठ गया है पूरा। नेस्ट बॉक्स भी बहुत था ना, ऐसे ऐसे बॉक्स काट दिया, सब काट के खराब कर दिया ना। हाँ हाँ देखो हाल देखो, काट के तो खराब कर दिया है, लेकिन इन लोगों की चीन टेंडेंसी है वो 100% यहाँ से कंप्लीट हुआ। हाँ फिर से बनाना होगा और ऐसे लगाना होगा। और यहाँ तीन चार नेस्ट बॉक्स तो पहले से लगा हुआ है और बहुत सारा मटकी भी पहले से लगा हुआ है, और कुछ मटकी लाएंगे और यहाँ ऐसे हैंग कर देंगे। एकदम पुराना जो बजीज का कॉलोनी था तभी से ये सब है। हाँ थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, लगा देंगे, सही कर देंगे और उसके बाद ले आके छोड़ेंगे। यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं संजय, स्काई वाला कलर है वही लगा देंगे। वो देखो नीचे कैसे लड़ाई चल रहा है देखो। अरे इतना खतरनाक लड़ाई होता है उन लोगों का। हाँ अभी ये सारे मछली को, ये सारे मछली को डिफरेंट जगह में लेके जाना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई का बहुत दिन से इसका इंतजार में था। वाओ ये कितना खूबसूरत है देखो। अच्छा ठीक है ठीक है, और भी है बहुत सारा है।
हाँ ये देखो, ये तो बहुत बड़ा बड़ा साइज का है ना, जापानीज कोई जिसे कहते हैं। बहुत दिनों का एक ड्रीम था, एक ऐसे फाउंटेन बनाएंगे जहाँ ऐसे बहुत सारे कोई कप, ऊपर राजहंस घूमेंगे और नीचे कोई कप। बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं ना, राजहंस क्या करते हैं ना, मतलब खाना लेके कोई कप को खाना खिलाता है, तो वही वैसे ही बनाएंगे हम लोग का नया फार्म पे। फिलहाल अभी तो बहुत सारा छोटे लिए है, 5 इंच 6 इंच का, और ये सब 1 फीट के आसपास ऐसे कुछ होगा, और 1-2 साल तो लग ही जाएगा वहाँ एकदम कम्प्लीट बनने के लिए, तभी ये सारे और भी बड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब 2.5 फीट 3 फीट। ओ बाप रे, तो बहुत बड़ा है, 2.5 फीट 3 फीट तक भी हो जाएगा। इसका बहुत सारा वैरायटीज होता है, कलर स्ट्राइप्स जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, मल्टी कलर, ट्राई कलर वगैरह वगैरह बहुत सारा नाम है। फिलहाल जो है, मतलब जितना सारा वैरायटीज हमको मिलेगा, वहाँ बहुत बड़ा सा फाउंटेन बनाएंगे, उसके अंदर छोड़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि तालाब में रखने के लिए ऐसे कोई एक छोटा सा तालाब भी तैयार करेंगे, जहाँ नीचे बहुत सारा ऐसे जापानीज कोई रहेंगे और ऊपर राजहंस चरता रहेगा। ये रेड वाले को देखो, कितना बड़ा साइज का है और कितना खूबसूरत है। ठीक है, नहीं अभी अभी यहाँ नहीं रख सकते, अभी आधा घंटा 1 घंटे के लिए। हाँ ठीक है छोड़ेंगे, अभी आधा घंटा 1 घंटे के लिए पहले संजय पकड़ो, पूरा लाइट बंद कर दो, इसी पुराना वाला पानी के अंदर आधा घंटा 1 घंटे के लिए डुबो के रखना है। हाँ जगह होगा और एक के लिए, अभी तो फिलहाल आधा घंटा या 1 घंटे के लिए यहाँ ही ऐसे करके रखना होगा। ठीक है, जब बाहर आएगा तभी इन लोगों का असली खूबसूरती पता चलेगा। सच में बहुत खूबसूरत है, हमको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी आधा घंटा ऐसे करके छोड़ना है, उसी बीच हाँ लेके आओ, आ जाओ यहाँ सब इकट्ठा करो। हाँ वहाँ से पानी ला के यहाँ डालना पड़ेगा, उसके बाद एक एक करके छोड़ना पड़ेगा, और ये हाथों में देखा और सारे बात का आवाज़ देखिए। पिछले का वीडियो में बोला था ना कि कॉकटेल बहुत खूबसूरत होता है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। ये और सारे बाद ना हर दिन एक जैसे खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि कुछ दिन देखिएगा एकदम प्लेट साफ करके छोड़ देता है, और कुछ दिन देखिएगा थोड़ा थोड़ा रह जाता है, और कुछ कुछ दिन तो ऐसे भी होता है कि बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। हम लोग डर जाते हैं कि कुछ हुआ कि नहीं, लेकिन कोई टेंशन नहीं, वो ऐसे ही, वो लोग बहुत सोच समझ के अपना मतलब शरीर का हिसाब से वो लोग खाना खाते हैं। जिस दिन उतना अच्छा नहीं है तो खाना बिल्कुल भी कम कर देते हैं, कभी कभी वेदर चेंज होने के कारण भी एकदम खाना कम कर देते हैं, तो वहाँ टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है कि बर्ड्स एक्टिव है कि नहीं, वो हम लोगों को देख के रखना होगा। अगर हमको कभी लगेगा कि नहीं एक्टिव नहीं है, पूरा चुपचाप से ऐसे कुछ एक कोने में जाके बैठा है, एक्टिविटी नहीं है, एकदम स्लो लग रहा है, तभी थोड़ा सा हम लोगों को वॉच करना है कि कोई बीमार वगैरह हुआ कि नहीं। लाली आ गए, लाली को एक हेलमेट देना होगा। चलो आ जाओ, ले लो। क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा कुंडा, टमाटर कुंडा। अभी सबसे पहले एक्वेरियम से पानी लेके यहाँ डालना है। हाँ गया। नहीं आ रहा है? बस बंद करो। बस अभी इसमें डालो। इतना स्लोली, इतना धीरे धीरे पानी जा रहा है कि सुबह हो जाएगा फिर भी हो नहीं पाएगा, इसी के लिए दूसरा तरीका अपनाया। चलो पानी तैयार हो गया है। अभी सबसे पहले ये जो 2 मछली है, रुद्रा कहाँ है? हाँ अच्छा यहाँ आ जाओ। हो गया। अरे बाप रे कितना सुंदर है। रुद्रा का हाथों में नहीं देंगे तो रुद्रा भी गुस्सा हो जाएगा। पापा और नहीं। ये देखो कलर, देखो इसका कितना खूबसूरत है। चलो हाँ। अच्छा इन दोनों का कलर ना थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डार्क रेड है और ये थोड़ा सा लाइट। नहीं हाथ मत लगाओ। हाँ सूर्या दूसरा लेके आओ। जापानीज कोई का, मतलब बहुत दिनों का ड्रीम था। चलो
वाओ ये सब भी बहुत खूबसूरत है, देखो अरे 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 देखो देखो देखो, रुको रुको आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ट्रेंडी है, कलर देखो कलर देखो। दूध में क्या हुआ, आंखों में पानी गिर गया, बहुत खूबसूरत है। और एक है और एक है, ये देखो हाँ ठीक है छोड़ो, और नहीं और नहीं और नहीं, इन लोगों को अभी आराम से कुछ देर के लिए रहने देना है, उसके बाद चलो रुद्रा इन दोनों को लाओ, चलो ये सब को लाओ। ओ ये तो डबल है, ये भी सारे जापानीज कोई कब है, लेकिन ये अभी छोटा है, बड़ा तो 5 पीस ही लिया है और बाकी का सब छोटे लिया है, क्योंकि तालाब में छोड़ के रखेंगे और हम लोगों का नए जगह में मतलब सब रेडी होते होते तो एक साल लगभग एक साल ही लग जाएगा, तब ये लोग बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा का प्राइस बहुत ज्यादा है, इसी के लिए मैंने छोटा लिया। नहीं 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 ज्यादा नहीं पकड़ना है, ऐसे एक बार हाथ लगा लिया सही है ठीक है ना। और बचपन से रुकजा के बारे में क्या बताऊं, मतलब मछली के लिए इतना पागल है इतना पागल है, लेके आओ सूर्या एक के बाद एक लेके आओ। नहीं और नहीं और नहीं पापा और नहीं, हो गया हो गया हो गया, नहीं ज्यादा पकड़ेंगे तो ये लोग मर जाएगा ना मर जाएगा। और एक इसमें कौन सा कलर है, रुद्रा देखो कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, ये कहना होगा। अच्छा अभी रुद्रा छोड़ेगा, एक पकड़ पाओगे रुद्रा, वो अच्छे बदमाश है अच्छे, तुम्हारे हाथे आसचे ना हाथे ना हाथे ना हाथे ना, ये रुद्रा छाड़ लो, पीछे जाओ पीछे जाओ। और भी है, मैंने छोटा ज्यादा लिया, बड़ा कम, क्योंकि बड़े का प्राइस ज्यादा है और छोटे का प्राइस कम है। ये तो पूरा बटरफ्लाई की तरह लग रहा है, देखो कितना खूबसूरत, इसमें भी है। अच्छा एक बार इस साइड में लेके चलते हैं, रुद्रा देखो तो वो पकड़ लिया, रुद्रा पकड़ लिया, रुद्रा मछली पकड़ने में तो एकदम एक्सपर्ट है। हाँ रुद्रा एकदम एक्सपर्ट है, आरो तीन जन है, ओ पकड़ लिया, यहाँ छोड़ो यहाँ छोड़ो, अरे पहले एक को छोड़ दो, अच्छा तुम्हारे हाथ में देता हूँ, अभी भी बहुत काम है, सारे मछली को बड़ा वाला एक्वेरियम से सारे मछली को अलग करना है, उसके बाद वहाँ जाके सबको छोड़ना है। अच्छा काउंट कर लो कितना है टोटल, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ 5 18 18 और यहाँ 5 मतलब टोटल 23 जापानीज कोई हम लोग यहाँ आ चुका है, ये 5 बड़ा है ये सब छोटा है, लेकिन 1.5 साल का अंदर ये भी ऐसे बड़ा बड़ा हो जाएगा अगर हम लोग इन सबको तालाब में रखेंगे तो ठीक है। और सारे व्यूअर्स के पास कमेंट्स का इंतजार रहा, ये सारे कोई कप जापानीज कोई कप आप सभी को कितना ज्यादा पसंद आया, और ये तो मेरा ड्रीम फिश है, मतलब इतना अच्छा लगता था जब देखता था कि स्वान राजहंस मतलब ऐसे तैरता था ऊपर और नीचे ऐसे जापानीज बड़ा बड़ा जापानीज कोई को खाना खिलाता था, वो जो वीडियो मैंने देखा तभी से दिमाग में था, पागलपन था। और इतना दिन तो एकोमोडेशन भी नहीं था, लेकिन अभी वहाँ हम लोगों का बहुत बड़ा सा फार्म बन रहा है जहाँ बहुत बड़ा सा फाउंटेन भी होगा, क्या हुआ, हाँ वो तो हर रोज का काम है वो तो गिराता रहता है, बहुत बड़ा सा फाउंटेन भी होगा वहाँ, ऐसे सारे कोई का आपको हम छोड़ के रखेंगे, ये सारे बड़े हैं, इन लोगों का प्राइस ज़्यादा है इसी के लिए कम लिया, और ये सारे छोटा है लो प्राइस में मिलता है, और एक साल डेढ़ साल तो अभी लग ही जाएगा, इसी के लिए इतना सारा छोटा लिया और कुछ बड़ा, मतलब बड़ा का सेटिस्फेक्शन कुछ अलग होता है, छोटा तो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा एक साल के अंदर। अभी और कुछ नहीं, अभी छोड़ दो अभी छोड़ दो, चलो 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 हम लोगों का बर्ड्स पकड़ने का नेट बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ये सारे जो विडो फिशेज है ना, इन सब का कलर भी देखिए कितना खूबसूरत होता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत चलाक है ये लोग, चलो इसको बाहर हटाओ तो सारे पत्थर को भी हटा देंगे कुछ नहीं रखेंगे। और हम लोगों का रियो भी सारे मछली को देखने के लिए तभी से यहाँ से झांक रहा था, इसी के लिए इसको भी बाहर लाया, चलो रियो देखो तो आ जाओ हाथों पे आ जाओ, सारे मछली को देखो तो ये क्या है यहाँ बैठो। और रियो तभी से वहाँ से झांक रहा था कि सारे मछली को देखने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, नहीं तुमको मछली दिखाने के लिए लाया, ये काटने के लिए नहीं, आ जाओ आ जाओ यहाँ बैठो और देखो, जाओ हाँ संजय और कितना बाकी हाँ हम लोगों का पेंटिंग का काम भी लगभग खत्म ही हो गया है, हाँ अच्छे से डाल दो जितना हो पाता है, और भी थोड़ा सा काम बाकी है, कोशिश करेंगे आज शाम या रात के अंदर कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि कल बजीज लाने का प्रोग्राम है।
अरे तुम्हारा मोबाइल यहाँ रखे हो। मोबाइल भी अगर अंदर लेकर देगी ना तो क्या ही बात होगा। सैमसंग से क्या आईफोन भी निकल सकता है क्रॉस ब्रीड में? मांग का तुम बार बार यहाँ आ रहे हो और देख रहे हो। शाम हो चुका है, मतलब रेडी करते करते हम लोगों का शाम हो चुका है और फाइनली हम लोगों ने रेडी कर लिया है। अभी बारी है सारे मछली को छोड़ने का। बहुत भारी है, पहले पहले सारे मछली को एक एक करके छोड़ेंगे और उसके बाद ये पानी को भी वहाँ डाल देंगे। और सडनली तेजी से हवा आ गया था और ऊपर से इतना सारा मैला यहाँ गिर गया है। देखो आ जाओ तो। ओ और ये सबसे बड़ा और बहुत ताकत है। चलो चलो चलो, देखो इसे भी छोड़ दिया। अभी अभी ये जो स्पेस है, ये जो एक्वेरियम है, कुछ दिन मतलब 15 दिन एक महीना रहने के लिए मेरे हिसाब से शायद सही है, उतना छोटा भी नहीं है। और देखो, और अभी ये सारे जापानीज कोई का जो असली खूबसूरती है वो निकल के बाहर आ रहा है। और जैसे कहा गया था कि पानी एकदम नया पानी नहीं देना है, चेंज नहीं करना है, इसी के लिए थोड़ा सा मैल रह गया लेकिन उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी बाकी सारे छोटे छोटे मछली को छोड़ने का बारी है। चलो, मैं सोचा था कि थोड़ा सा अगर थक गया होगा तो मुश्किल होगा, लेकिन लेकिन जो ताकत है 100%। अरे अरे पकड़ लो यार। चलो छोड़ दिए है सारे मछली को। और अभी आप सभी को कमेंट्स करके कहना है इन सारे मछली के अंदर कौन सा मछली का कलर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, ठीक है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। और सोच रहे थे कि ये सारे वीडियो फिशेस को हम लोग अलग से रखेंगे, लेकिन लेकिन ये सारे मछली बहुत शांत है तो एक ही साथ छोड़ने से शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा अभी छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद थोड़ी देर यहाँ खड़ा रहेंगे, अगर देखेंगे कोई लड़ाई वगैरह ऐसे कुछ मतलब प्रॉब्लम होने का चांस हमको लग रहा है तो फिर से अलग कर लेंगे। और नेट हम लोग का पास है, इजीली हम लोग पकड़ के अलग कर सकते हैं। देखो तो कुछ हो रहा है लड़ाई वगैरह या ऐसे ही एडजस्ट कर रहा है बहुत अच्छे से? नहीं, कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ नहीं होगा, शायद रह लेगा आराम से। चलो अभी ये सारे पानी को भी डाल देते हैं धीरे धीरे। कितना खूबसूरत है। और तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और जैसे फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप हम लोगों का चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, उसके बाद उसका बगल का बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में हम लोग ऐसे कोई मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अभी सुबह के टाइम देखिए असली जो खूबसूरती है वो दिख रहा है।